अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीआईएसई बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, बिग अपडेट है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तरफ से, कि अब से सीआईएसई बोर्ड क्लास 9th क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाएगा। मतलब कि अभी तक तो आपके स्कूल्स हैं जो क्लास 9th क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर सेट करते थे फाइनल एग्जाम के, वो अब सीआईएससी बोर्ड हैंडल करेगा, वही क्वेश्चन पेपर सेट करेगा क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। जो न्यूज पब्लिश हुई है आइए वो देखते हैं। ये न्यूज लाइव hindustan.com में पब्लिश हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से भी ये न्यूज देख सकते हैं। अगले एकेडमिक सेशन से काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कक्षा 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षा के लिए दोनों कक्षाओं के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करेगा। मतलब नए एकेडमिक सेशन से सीएससी बोर्ड आपके क्लास 9th और क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। अब तक इन दोनों कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र संबंधित स्कूल तैयार करते थे। आईएससी स्कूलों के प्रमुख के संघ के बंगाल चैप्टर के महासचिव नवारुण डे ने आज बताया कि आईएससी से संबंध राज्य के सभी स्कूलों को कल सीआईएससी का सर्कुलर प्राप्त हो गया था। मुख्य विषयों के संबंध में डे ने कहा कि सर्कुलर में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सीआईएससी संबंध आने वाले दिनों में मुख्य विषयों पर फैसला लेगी। डे ने बताया इसका मकसद 9वीं और 11वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम के बड़े हिस्से को शामिल करना है, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा से पहले बोझिल न महसूस करें। सीआईएससी के मुख्य कार्यकारी और सचिव गैरी आरथुन ने बताया कि यह सर्कुलर परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मौजूद है। मतलब अगर आपको सर्कुलर देखना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्कुलर देख सकते हैं। बाकी स्कूलों को सर्कुलर जानकारी दे दी गई है, ठीक है। और अब तो आप समझ सकते हैं कि क्लास 9 के क्लास 11 के क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट करेगा सीआईएससी बोर्ड, जो अभी तक आपके स्कूल से फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सेट होते थे, अब स्कूल सेट नहीं करेगा, सीआईएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर सेट करेगा। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको एजुकेशन अपडेट और न्यूज एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।